रेनबो सेवन चैनल की ओर से मदन गोपाल का सतरंगी और कुल कुल नमस्कार। स्नोफॉल हो रहा है, हमें खुशी हो रही है और आपको भी शायद बहुत खुशी हो रही होगी स्क्रीन के माध्यम से। मनाली के अंदर जो स्नोफॉल हो रहा है और मॉल रोड तक पहुंच गया है, और मॉल रोड के पास एक ऐसी लोकेशन है जहां हमने स्नोफॉल रिकॉर्ड किया है, शायद आपने वो नहीं देखी होगी। उस लोकेशन पर ही भी आपको लिए चलेंगे, थोड़ी सी हम उसको सीक्रेट रखेंगे, उसके बाद आपको उसको रिवील करेंगे। तो ये सोलांग वैली के और मॉल रोड तक पहुंच गया, और शाम को यदि स्नोफॉल और होता है तो आपके ज़्यादा कमेंट आएंगे, तो मनाली के मॉल रोड पर भी स्नोफॉल दिखाएंगे और हमारी टीम के साथ घूमना चाहते हैं तो ईमेल के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर ज़रूर लिखिएगा जिससे हम संपर्क बनाने में आपसे आसानी रहे। तो ये खूबसूरत नज़ारे हैं, बहुत ही ज़्यादा जो टूरिस्ट है वो खुश होए। हाँ, ट्रैफिक जाम लग जाता है क्योंकि जब थोड़ी सी भी सूचना मिलती है कि सोलांग वैली में स्नोफॉल चालू हो गया है तो सभी दौड़े चले आते हैं। और 12 किलोमीटर है ये पूरा का पूरा जो रोड है वो जाम सा हो जाता है, लेकिन जो ऐसे नज़ारे देखते हैं दिल खुश, प्रकृति के नज़दीक प्राकृतिक नज़ारे देखने के लिए ही तो लोग आते हैं, और उनको स्नोफॉल मिल जाए तो मन की मुराद पूरी हो जाती है। तो हमारी जो स्नोफॉल प्रिडिक्शन है वो एक बार और सच साबित हो रही है, और भी स्नोफॉल प्रिडिक्शन के वीडियो डाले हुए हैं चैनल पर, देख लीजिएगा। और ठंड के अंदर हमारी टीम काम कर रही है, कभी कभी तो हाथ भी काम नहीं करते हैं, इतनी ठंड हो जाती है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारी मेहनत को सफल करने के लिए। मैं इसी लोकेशन की बात कर रहा हूँ, शायद ये लोकेशन आपने नहीं देखी होगी, मनाली के मॉल रोड के सबसे नज़दीक है, थोड़ी सी दूरी पर है। तो यह है तिब्बतियन मोनेस्ट्री। तो आपने कहा कि देखी है, लेकिन मनाली के अंदर दो तिब्बतियन मोनेस्ट्री है, एक जो नज़दीक है मॉल रोड के, जो मैं अक्सर दिखाता हूँ, वहाँ आपने उसको ज़रूर देखा होगा। यहाँ जो महामहिम दलाई लामा है वो यहाँ आते हैं, इसमें आप शायद ही गए होंगे, और इसका मैं चारों ओर का व्यू दिखा देता हूँ, और आप कहेंगे तो इसका मैं डिटेल वीडियो लेकर भी आ सकता हूँ, वो कमेंट पर निर्भर करेगा। यहाँ दलाई लामा प्रवास करते हैं और बहुत अच्छी शांत जगह है। इस लोकेशन को मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, यदि आपको समय मिले तो ज़रूर, यदि आपके प्लान में भी नहीं है तो आप पैदल चल के आ सकते हैं, मॉल रोड से 6 मिनट की दूरी पर ही है। और शिमला की बात करें तो शिमला में ऊंचाई वाला स्थान नारकंडा और कुपरी है, वहाँ अच्छा स्नोफॉल हुआ है और इस वजह से वहाँ के रोड ज़्यादा स्लिपरी हो गए हैं, इस वजह से वहाँ जाने से प्रशासन रोक रहा है, और उनके प्रशासन के नियम को ज़रूर मानिएगा, आपके हित की बात कर रहे हैं। और इस और आपको यहाँ अपडेट तो मिलती है लेटेस्ट, लेकिन इससे भी ज़्यादा आप तेज़ अपडेट पाना चाहते हैं, जल्दी पाना चाहते हैं फ़ोटो और टेक्स्ट के रूप में, तो हमारे सोशल हैंडल है उनके भी लिंक दिए गए हैं। यहाँ वीडियो बनाकर थोड़ा अपलोड करने में समय लग सकता है, वहाँ तुरंत आपको लगातार अपडेट मिलते रहेंगे, उनको फॉलो कीजिएगा, और कोई क्यूरिया तो पूछिएगा। और ठंड के अंदर हमारी टीम को उत्साहित करने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जय